हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लॉन्चपैड फिलिंग के बारे में। तो अगर आपको इन्फोसिस की तरफ से ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है एंड आपकी इन्फोसिस की तरफ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इन्फोसिस लॉन्चपैड कैसे फिल करना है। बहुत सारे मुझे डाउट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ एंड ये मस्ट वॉच वीडियो आप सभी के लिए लॉन्चपैड फिलअप करने से पहले, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाए। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको लॉन्चपैड फिल करने के बारे में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, साथ साथ NSR, सर्विस एग्रीमेंट, NATS, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन सभी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल देखने मिल जाता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जो भी अपडेट्स आते हैं इन्फोसिस की तरफ से वो मैं आपको रेगुलरली शेयर करता रहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो देखने मिल जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर NSR। तो आपने अगर अभी तक के NSR के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो एंड NSR के लिए अप्लाई कर सकते हो। NSR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट देखने मिल जाती है हमारी इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहां पर आपको इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर सैलरी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, इनहैंड सैलरी रिलेटेड वीडियो देखने मिल जाता है, ऑफर लेटर कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सा लैपटॉप इन्फोसिस प्रोवाइड करती है, 2 साल बाद इन्फोसिस में कितनी सैलरी हो सकती है, सभी चीजों के बारे में डिटेल बताया। तो ये वीडियो आप जाकर चेकआउट, ये प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन वीडियोज को आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लॉन्चपैड के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशिएट ऑनबोर्डिंग। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लॉन्चपैड में लॉगिन करना होगा, जो कि आपको मेल आईडी पे आपको लॉन्चपैड डिटेल्स देखने मिल जाती है। आप लॉगिन कर लेते हो, फिर आपको वन टाइम पासवर्ड जो होता है, जो आपको इन्फोसिस की तरफ से भेजा जाता है, वो आपको चेंज करना होता है और एक मेन पासवर्ड आपको सेट करना होता है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपने लॉगिन कर लिया एंड आपके सामने कुछ इनिशिएट इनबोर्डिंग इस तरह से आ जाएगा एंड आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे। सबसे पहला आ जाता है प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होगी। सबसे पहले हो गया जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एडेड रहेगा यहाँ पे, डोमेसाइल आपको ऐड कर लेना है आपका कौन से स्टेट की डोमेसाइल है, आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ ऐड कर लेना है एंड आपको इंडियन आपकी जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है एंड मेरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। SSS नंबर आपके लिए वैलिड नहीं है, जो कि फॉरेन से आते हैं उनके लिए SSS नंबर अप्लीकेबल है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ESIC नंबर भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। ओके, ये हो गई फर्स्ट चीज। ओके, अब सेकंड चीज आती है आपके सामने, प्रोवाइड योर फैमिली डिटेल्स। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी फैमिली डिटेल्स ऐड करना होगा। यहाँ पे अपनी मदर एंड फादर की डिटेल्स एंड उनका नेम एंड उनका यहाँ पे वो फादर है मदर है, ये आपको सिलेक्ट करना है। बस इतना फैमिली डिटेल्स में आपको ऐड करना होगा, ये दो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे सामने, डिसेबिलिटी डिटेल्स, प्रोवाइड योर डिसेबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटीज है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो एंड डू नॉट विश, अगर आप बताना नहीं चाहते तो डू नॉट विश टू डिस्क्लोज पे क्लिक कर सकते हो एंड इसे अपडेट कर सकते हो। गाइज, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो का एम रखते हैं हम 2000 लाइक्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने, प्रोवाइड योर एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करनी होंगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एजुकेशनल डिटेल्स में आपको 3 ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल्स ऐड करनी होंगी, फिर ग्रेजुएशन की ऐड करनी होगी, फिर 12th की ऐड करनी होगी। सबसे पहले हम 10th की देख लेते हैं, जो कि जूनियर आ जाती है, SSLC जूनियर एंड इक्विवेलेंट। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नेम ऐड करना होगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड सिलेक्ट करनी होगी एंड लेवल तो ये ऑलरेडी एडेड होगा। यहाँ पे देख सकते हो एंड डेट, तो यहाँ पे एंड डेट जो भी दी रहेंगी आपको वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 10th में एंड 12th में एंड डेट जो है चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड रहेंगे, फुल टाइम आपने किया है वो अपलोडेड रहेगा एंड आपकी डिग्री अपलोडेड रहेंगी। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है, आपका जो भी 10th की मार्कशीट पे रोल नंबर मिल जाता है J0 वो उस सिक्वेंस में, वो आपको यहाँ पे रोल नंबर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अटैचमेंट में क्या करना है, फाइल साइज अप टू 5 MB एंड टाइप। ओके, तो यहाँ पे PDF, JPG इन फॉर्मेट में आप जो फाइल अपलोड कर सकते हो एंड मैक्सिमम साइज 5 MB बोला गया है, 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, आपका जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है, आपके कितने मार्क्स थे, मार्क्स ऑब्टेन एंड मैक्सिमम मार्क्स में आपके कितने में से मार्क्स थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे 463 थे आउट ऑफ 500, तो वो ऐड कर देना है एंड ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज जो है वो जनरेट हो जाएंगे।
नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रेजुएशन एंड बैचलर्स डिग्री। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम ऐड कर देना है, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था वो सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंड डेट है, तो आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ, कब फिनिश हुआ, उसकी एंड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से यहाँ पे पासिंग मंथ एंड ईयर जो है वो सेट हो जाएगा। फिर आपको कितने मार्क्स थे, परसेंटेज थे, वो यहाँ पे आपको अभी ऐड नहीं करने। नीचे यहाँ पे आप सेमेस्टर की डिटेल्स ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपको रोल नंबर ऐड करना है। अब कौन सा रोल नंबर ऐड करोगे, जो भी आपका फाइनल सेमेस्टर में रोल नंबर था, जो 8 सेमेस्टर में रोल नंबर था आपको, वो सेमेस्टर का यहाँ पे आपको रोल नंबर ऐड करना है। एंड यहाँ पे आपको अटैचमेंट ऐड करनी है, जहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट्स ऐड करनी है, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स यहाँ पे आपको अपलोड करनी होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सेमेस्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको सभी सेमेस्टर ऐड करने हैं, तो वो कैसे करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर चूज कर लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स, ये आपको ऐड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, ये आप सिलेक्ट कर लोगे, ऐड सेमेस्टर पे क्लिक कर लोगे गाइस, तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से आपको ग्रेजुएशन के ऑप्शन में डालना है, वापस आना है, यहाँ पे सेमेस्टर ऐड करना है, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स ऐड करना है, ऐड सेमेस्टर पे क्लिक करना है। इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन सभी के कॉलम्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह के आपके कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है, आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ टोटल, ये टोटल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड आपका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी आपका एवरेज कैलकुलेट होता है वो यहाँ पे आपको मार्क्स इन परसेंटेज और सीजीपीए जो भी है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होके शो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का ऐड कर दिया। उसके बाद आ जाता है ट्वेल्थ का, तो यहाँ पे भी आपको ट्वेल्थ में सेम डिटेल्स ऐड कर देनी है। आपको यहाँ पे मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे, जहां से मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स और आपका एवरेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड डेट आपको यहाँ पे एंड डेट का आपको कुछ भी इशू नहीं है, जो भी एंड डेट ऑलरेडी यहाँ पे है वो आपको रहने देना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको रोल नंबर ऐड कर देना है एंड आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये हो गया एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स आपको बहुत केयरफुली ऐड करना है एंड एजुकेशनल डिटेल्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इश्यू होगा कि उनके पास अभी तक के 8 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो 8 सेमेस्टर के पास 8 सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, 8 सेमेस्टर की जो ऑनलाइन मार्कशीट की कॉपी है वो आपको ऑनलाइन जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके उसे प्रिंट आउट करवा लेना है एंड अपने कॉलेज से अटेस्टेड करवा के यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये आपके लिए सोल्यूशन है अगर आपके पास 8 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो। ओके, उसके बाद आ जाता है प्रोवाइड योर अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपकी कोई भी अचीवमेंट्स है, कोई भी आपने अचीव किया है, कुछ चीज अपलोड की अचीव की है, तो उसके बारे में लिख सकते हो। कोई आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेला है या कोई भी अचीवमेंट्स है आपके पास, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट या कुछ भी आपके पास है वो फोटो अपलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है उसका। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड योर एस्पिरेशन इन मैसूर। तो आपके इंटरेस्ट एरिया क्या है वो ऐड कर सकते हो, एस्पिरेशंस क्या है वो ऐड कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज प्रोवाइड योर लोकेशन प्रेफरेंस। तो आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आप अपनी लोकेशन प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे तीन लोकेशन प्रेफरेंस आपको देखने मिल जाती है, प्लीज सिलेक्ट थ्री लोकेशन इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस टू वर्क पोस्ट द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप कौन सी लोकेशन प्रेफरेंस सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने तीन लोकेशन सिलेक्ट कर लिए, आप भी अपने अकॉर्डिंगली तीन लोकेशन जो कि आपको कन्वीनियंट हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे, मैसूर, जयपुर, ओके, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप टोटली फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो ये आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड योर एनएसआर डिटेल्स। तो एनएसआर के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हो एंड एनएसआर की डिटेल्स जो है वो फिलअप कर सकते हो। आईडी पिन एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको अपलोड करना होता है, जो कि आपको मेल के थ्रू एंड आपके टेक्स्ट, आपके फोन नंबर पे भी टेक्स्ट के थ्रू जो है आपको रिसीव हो जाएगा, वो आपको ऐड करना है। एंड एनएसआर का एक कार्ड होता है जो कि आपको एनएसआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पे अपलोड कर देना है, इस तरह से आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने प्रोवाइड योर पासपोर्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स ऐड करनी होंगी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि पासपोर्ट काफी ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आपके पास ज्वाइनिंग के पहले पासपोर्ट नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग ये मैंडेटरी होता है, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपना पासपोर्ट बना लेना है, कल ही जाके आपको पासपोर्ट बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपको ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे आपको पासपोर्ट का फ्रंट पेज ऐड करना है, जहां पे आपको
जहां पे आपकी फोटो स्टिक होंगी वो वाला फ्रंट पेज, एंड बैक पेज में आपका जहाँ एड्रेस डिटेल्स होंगी वो, इस तरह से आपको पासपोर्ट ऐड कर देना है। एनएसआर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आपके पास एनएसआर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वीडियो बनाइए, वहां से आप देख सकते हो आपका 2 से 3 दिन में जो है एनएसआर आईडी क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आता है पैन कार्ड, तो यहाँ पे पैन कार्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आपके पास पैन नहीं है तो पैन के लिए भी एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है वो पैन से यहाँ पे लिंक्ड होती है, आपकी जो इनकम आती है, तो इसीलिए पैन जो है काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे आपको एज सुन एज पॉसिबल जाके पैन क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे आपको पैन नंबर ऐड करना है, यहाँ पे री एंटर करना है नंबर, एंड यहाँ पे आपको पैन कार्ड की फोटो जो अपलोड कर देना है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रोवाइड योर आधार डिटेल्स, तो आप सभी के पास आधार ऑलरेडी होगा ही, तो यहाँ पे आपको अपना आधार डिटेल्स ऐड कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो आधार नंबर ऐड कर दिया, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया आपने अपना जो भी आधार पर मेंशन है, एंड नेम क्या है आपका आधार कार्ड पे वो आपको ऐड कर देना है, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने प्रोवाइड योर एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस ऐड करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा मैंडेटरी है, आपको अपना एड्रेस ऐड कर देना है, जैसे आपको कॉन्टैक्ट नेम ऐड कर दिया, एरिया ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर, स्टेट, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड ऐड कर देना है आपके एरिया का जो पिन कोड है, लैंडमार्क ऐड कर देना है अगर कोई लैंडमार्क है तो वो ऐड कर देना है, फिर आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर आपका सेम परमानेंट है प्रेजेंट एड्रेस तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर से ऐड कर देना, एंड आप अपना इमरजेंसी एड्रेस भी कोई जो है सिलेक्ट कर सकते हो, यह एड्रेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐड करना। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड योर बैंकिंग डिटेल्स, तो यहाँ पे देख सकते हो योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, यू कैन एंटर एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होने वाली है वो क्रेडिट होने वाली है इस बैंक अकाउंट में, इसलिए आपको बैंकिंग डिटेल्स ऐड करने होंगे। ओके, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्सिस एंड आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है क्या, अगर आपका है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो एंड उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको अपना एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक में जो है अपना अकाउंट क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉन नॉन आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर वुड बी गाइडेड विद द रिक्वायर्ड प्रोसेस ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। ओके, अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल्स ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दीजिए। कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दी गई है कि आप अपना आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक्सिस बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड आपको बेनिफिट्स कैसे मिल जाते हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड आप अपना बैंक अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक में। अगर आपके पास नहीं होता है अकाउंट आपका तो आपकी सैलरी नहीं आएंगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड योर नॉमिनेशन डिटेल्स, तो आपने जो सेकेंड सेकेंड स्लाइड में जो मैंने शो किया था जहां आपको मदर्स एंड फादर्स की डिटेल्स डालनी थी सिलेक्ट करना है, वही आपको नॉमिनेशन में आपके मॉम एंड डैड का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने मेडिकल डिटेल्स, तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है आपकी ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन होने वाली है, तो आपको यहाँ पे मेडिकल डिटेल्स डालने की अभी जरूरत नहीं है, आपको मेडिकल चेकअप अभी फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो पे सिलेक्ट कर दीजिए या तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप मेडिकल चेक करवा चुके हो तो आप मेडिकल आपका हॉस्पिटल नेम एंड स्टेट नेम ऐड करके मेडिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है आपके सामने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप कोई भी अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हो, कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उस कॉन्टैक्ट पे जो है कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना आईडी बैच जो होता है वो देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपकी फोटो रहने वाली है, एंड आपका जो भी इम्प्लॉय नंबर आता है वो आपको यहाँ पे नंबर देखने मिल जाएगा, अभी नहीं बना है इसलिए यहाँ पे लिखा है इम्प्लॉय नंबर अवेटेड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने डॉक्यूमेंट्स फॉर अनबोर्डिंग, ठीक है, अनबोर्डिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस एग्रीमेंट 2T एंड सर्विस एग्रीमेंट फॉर 3T इंजीनियर्स, तो गाइस ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस टाइम पे कोई भी सर्विस एग्रीमेंट अपलोड नहीं करना है, सर्विस एग्रीमेंट के जगह आपको अपना ऑफर लेटर साइन करके यहाँ पर अपलोड करना है दोनों ही ऑप्शन में। इसके बारे में डिटेल में आपका जो फर्स्ट डे ऑफ ऑनबोर्डिंग होगा उसके फर्स्ट डे होगा आपका, वहां पे आपको ये चीज बताई जाएंगी, अगर अभी आपको नहीं करना है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, एंड आपकी मीटिंग जो होगी फर्स्ट मीटिंग वहां पे आपको ये चीज बता दी जाएंगी। आपको सर्विस एग्रीमेंट के जगह ऑफर लेटर अपलोड करना होता है साइन करके, ठीक है। तो आपको जो भी ऑफर लेटर है एंड एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 जो होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स जहां पे आपकी सैलरी रिलेटेड होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अभी आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर आपको ये अपलोड नहीं करना है तो, लेकिन सर्विस एग्रीमेंट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ये चीज क्लियर है। कोई भी आपका बॉन्ड या सर्विस एग्रीमेंट नहीं है ये आपको नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ऑफर लेटर साइन करके आपको अपलोड कर देना है। आई होप आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जाते हैं प्रोवाइड योर नेट्स एंड यूएन डिटेल्स, तो गाइज नेट्स एंड यूएन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नेट्स आईडी क्रिएट करनी होगी एंड यहाँ पे उसकी डिटेल्स ऐड करनी होंगी।
नेट रजिस्टर फोन नंबर आपको डालना है एंड रजिस्टर्ड ईमेल आपको यहाँ पे डालना है एंड बीओपीटी फॉर्म जो है वो आपको ऐड करना है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा। अगर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जहां से आप नेट्स एंड यूएएन आईडी के बारे में जान सकते हो। ओके, इसके बारे में आपको डिटेल ए टू जेड डेडिकेटेड वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके सामने शेयर योर वैक्सीनेशन डिटेल्स। तो वैक्सीनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी वैक्सीन आपने लिए वो सिलेक्ट करना है एंड आपका डोज कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट डोज की डेट एंड सेकेंड डोज की डेट आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। वैक्सीनेशन के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेंगी अगर ऑफलाइन मैसूर में आपकी ट्रेनिंग होती है तो। नेक्स्ट आ जाता है स्टैचुअरी फॉर्म। तो स्टैचुअरी फॉर्म में आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे प्राइवेसी स्टेटमेंट इस पर क्लिक करना है एंड आपको एक्सेप्ट करना है। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है बिफोर योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये सभी चीजें आप सभी के लिए करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई हो। ए टू जेड सभी चीजें मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप। एनएसआर मैंडेटरी है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है जो आगे जाके देख सकते हो। सर्विस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। सर्विस एग्रीमेंट में आपको क्या करना है, ऑफर लेटर साइन करके अपलोड करना है 2T 3T दोनों में। ठीक है, नेट्स के ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने मिल जाएंगी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पासपोर्ट भी आपका मैंडेटरी है, पैन कार्ड भी मैंडेटरी है, तो एज सुन एज पॉसिबल आपको बना लेना है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो, पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड। ओके, तो डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जिसके लिए रिक्वायर्ड हो।